नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। होली का त्यौहार 18 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन धर्म की नगरी काशी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से ही हो जाती है। काशीवासी अपने इष्ट भोले बाबा नाथ के साथ महाशमशान पर चिता भस्म के साथ खेलकर होली के पहले इस पर्व की शुरुआत कर देते हैं। इसके बाद ही काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। काशी में ये परंपरा काफ़ी पौराणिक है। ये परंपरा 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसे काशी के लोग मनाते आ रहे हैं। आज हम आपको भी ये पुरानी होली खेलने की परंपरा को दिखा रहे हैं, जिसे देखने और खेलने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। देखिए हमारी ये खास पेशकश। वैसे तो होली का पर्व पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, मगर शिव की नगरी काशी में इसका एक अलग ही महत्व तो देखने को मिलता है। शिव की नगरी काशी में शिवरात्रि से ही होली का शुभारंभ हो जाता है और भगवान शिव के जो भूतगढ़ है वो चिता भस्म से होली खेलते हैं। ये ऐतिहासिक होली वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर खेली जाती है। कुछ लोग हमारे साथ है, ये किस प्रकार की होली है? ये रंग भरी एकादशी के बाबा का कोना है आज। ठीक है, आज महत्व तो एकादशी में विष्णु जी का होता है, लेकिन हमारे काशी में ये बाबा का कोना होता है। बाबा माता गौरी का कोना होता है, शिवरात्रि वाले दिन उनकी बारात निकलती है और आज के दिन माता गौरी को कोना करके ले जाते हैं और पूरे मसाने की होली होती है रंग भरी एकादशी वाले दिन हमारे यहाँ। क्या खासियत है मसाने की होली में? बहुत बड़ा खासियत है इसका, बहुत बड़ा इसका, जिसका मतलब इतना बड़ा खासियत जितना भी हम बोलेंगे वो कम है हमारे। कैसे खेलते हैं इस होली को? इस होली में मसाने की होली है, ये राख से खेलते हैं। जो यहाँ पे चिताएं जलती है उसके राख से खेलते हैं सब कोई। अभी पूरी होली पूरी बारात हम लोग की आ रही है, उस पूरी बारात में यहाँ पे लोग खेलेंगे इस पूरी होली को। मैडम आप बताइए कि ये जो चिताओं की होली होती है कैसी लग रही है, क्या मान्यता है इसकी? हमारी वैसे हमारे बनारस में ये बहुत बड़ी मान्यता है कि हमारे हर एकादशी पे मसाले की होली मनाई जाती है। रंग भरी एकादशी कहा जाता है, जो भोले बाबा के श्रृंगार का और उत्सव के लिए मनाया जाता है। बाबा की अलग होली है, कैसे खेलते हैं इसको? ढेर सारे रंगों के साथ खेलते हैं और हमारा फेस्टिवल भी एक त्योहार की तरह से मनाया जाता है। और मुझे गर्व है कि मैं बनारसी हूँ। सो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मोक्षदायिनी काशी नगरी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती है। 2400 घंटे चिताओं के जलने और शव यात्राओं के आने का सिलसिला चलता ही रहता है। चारों ओर पसरे मातम के बीच साल में एक दिन ऐसा आता है जहां महाशमशान पर होली खेली जाती है। रंग भरी एकादशी पर महाशमशान में खेली गई इस अनूठी होली के पीछे एक प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि जब रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ माँ पार्वती का गोना कराकर काशी पहुंचे थे तो उन्होंने अपने गढ़ों के साथ होली खेली थी, लेकिन वो अपने प्रिय शमशान पर बसने वाले भूत प्रेत पिशाच और अघोरियों के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी से विश्वनाथ इनके साथ चिता भस्म की होली खेलने महाशमशान पर आते हैं और काशी के घाट पर शिव भक्त भूत प्रेत और पिशाच का रूप धारण कर चिताओं की भस्म से होली खेलते हैं। बाबा भोलेनाथ अड़भंगी हैं और चिता भस्म से ही श्रृंगार करते हैं, इसलिए चिता की भस्म को एक दूसरे पर उड़ाकर उन्होंने अपनी खुशियां प्रकट की थी। वहीं परंपरा काशी में अनादि काल से निभाई जाती है। इसी के साथ ही होली की शुरुआत काशी में हो जाती है। काशीवासी पूरे साल भर रंगों की होली खेलने के पहले इस महाशमशान पर होने वाली चिता भस्म की होली का इंतजार करते हैं। चूंकि अंतिम समय शव है और काशीवासी शव को शिव के रूप में पूजनीय मानते हैं, इसलिए शिव के साथ होली खेलने के लिए महाशमशान पर कई लोग चिता की राख से
होली खेलने आते हैं। मातम में भी उत्साह का रंग कहीं दिख सकता है तो वो है शिव की नगरी काशी में ही संभव है। काशीवासी महाशमशान को छूत अछूत अपशगुन से परे और नव जीवन से मुक्ति पाने का द्वार मानते हैं। यही वजह है कि रंगों की होली के पहले चिता भस्म की होली में जाने से आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।